अस्सलामुअलैकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। ये मेरा सेकेंड वीडियो है आप सबके साथ। मैं हूं शनास तंजिला। इस चैनल पे मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिसीज़ एंड किडनी ट्रांसप्लांट, कुकिंग वीडियोस, हेयर केयर टिप्स, माय रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूं। आज मैं आप लोगों को किडनी डिसीज़ के सिम्टम्स बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किडनी डिसीज़ के सिम्टम्स क्या है। मुझे भी इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। जब मुझे किडनी डिसीज़ के सिम्टम्स हुए थे तब मुझे और मेरी फैमिली को कोई आइडिया नहीं था कि ये किडनी डिसीज़ के सिम्टम्स ही हैं। जब हम हॉस्पिटल गए तब भी हमें पता चला था। हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज़ आती है तो सिम्टम्स शो करना स्टार्ट कर देती हैं और हम लोग उसे समझ नहीं पाते और इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमें किडनी डिसीज़ के सिम्टम्स के बारे में पहले से ही पता हो तो उसे बढ़ने से रोक सकते हैं और ट्रीटमेंट से उसे क्योर भी किया जा सकता है। अगर हम लोग इसको इग्नोर करते रहें तो आगे जाके सिर्फ दो ही ट्रीटमेंट बचते हैं, डायलिसिस और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। आज मैं आप लोगों को किडनी डिसीज़ के सिम्टम्स बताने वाली हूँ। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखे तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए और प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। मोस्ट लाइकली इनमें से तीन बातें याद रखिए। फर्स्ट, हाई बीपी। हाई बीपी होने की वजह से किडनी डिसीज़ हो सकता है। अगर आप में से किसी को हाई बीपी है तो प्लीज़ आप चेकअप करवाते रहिए और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कीजिए और उसे बढ़ने मत दीजिए। डायबिटीज़ होने की वजह से भी किडनी डिसीज़ हो सकता है। और थर्ड, जेनेटिक डिसीज़, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होना। अगर आपके फैमिली में से किसी को किडनी डिसीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल दादा दादी, नाना नानी, तो वो फिर आपको भी हो सकती है। किडनी डिसीज़ का फर्स्ट सिम्टम है फटीक, बहुत जल्दी थकान महसूस करना, वीकनेस फील करना। सेकेंड, वॉमिटिंग एंड नौसिया। अगर आपको वॉमिट की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी किडनी डिसीज़ का ही सिम्टम है। जैसे ही आप पानी पीते हो वैसे ही पेट से बाहर वापस आ जाता है, तो वो भी एक किडनी डिसीज़ का ही सिम्टम है। मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन हमने सोचा कि शायद फूड पॉइजनिंग की वजह से या फिर गैस्ट्रिक की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, लेकिन मैंने वो सिम्टम्स को इग्नोर कर रही थी। प्लीज़ आप लापरवाही मत कीजिए। अगर आप सबको कोई भी सिम्टम हुआ तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। थर्ड, लो हेमोग्लोबिन। बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन लो हो जाना और फेस पीला पड़ जाना। और फोर्थ सिम्टम है स्वेलिंग। एंकल्स पे और लेग्स पे स्वेलिंग आ जाती है या फिर फेस के अराउंड एरिया में स्वेलिंग आ जाती है, ये भी एक किडनी डिसीज़ का सिम्टम है। प्लीज़ इसे इग्नोर मत कीजिए। एंकल्स में और लेग्स में स्वेलिंग आ, अगर आप प्रेस करने पर वो खड्डा पड़ रहा है तो वो स्वेलिंग ही है, मतलब आपकी बॉडी वाटर रिटेन कर रही है। फिफ्थ है फॉर्मी यूरिन। अगर आपकी यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग बन रहा है और काफ़ी लंबे टाइम तक यूरिन के ऊपर झाग रहती है तो वो भी एक किडनी डिसीज़ का ही सिम्टम है। जब हमारी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है तब इसे प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। यहाँ समस्या तब होती है जब किडनी प्रोटीन अच्छी तरीके से फिल्टर नहीं कर पाता है। सिक्स्थ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर आप थोड़ा सा भी चल रहे हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है। सेवन, ड्राई स्किन एंड इचिंग। एट, यूरिन इंक्रीज और डिक्रीज हो जाना। नाइन, मसल्स क्रैम्प्स होना। टेन, यूरिन ब्लड, यूरिन में ब्लड आ जाना। और इलेवन, लोअर बैक पेन होना। ट्वेल्व, बॉडी पे रैशेस हो जाना। ये सारे 12 किडनी डिसीज़ के ही सिम्टम्स हैं। को इनमें से कोई भी सिम्टम दिख रहे हैं तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अगर आपको फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाता है तो ट्रीटमेंट करके क्योर कर सकते हैं। अगर आपको फाइनल स्टेज में पता चला है तो सिर्फ दो ही ट्रीटमेंट बच सकते हैं, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। मुझे भी फाइनल स्टेज में ही पता चला था कि मुझे किडनी डिसीज़ है और मेरी दोनों किडनी 90% ख़राब हो चुकी थी। मेरी स्टोरी किसी और दिन शेयर करूँगी आपके साथ इंशाल्लाह। ये था मेरा आज का वीडियो आप लोगों के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं उसके आंसर दूंगी।
अल्लाह ताला आप सबको हर बीमारी से महफूज रखे और सेहत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।